हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आखिर मैं आइडियल्स एंड ट्रेड्स का अगला पार्ट लेकर आया हूं और चलिए हम देखते हैं। आइडियल्स पहला है एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई जिसको बोलते हैं आंखों का तारा, आंखों का तारा या बहुत प्यारा, बहुत याद रखेंगे बहुत बार या कुछ अच्छा हुआ है बोलते हैं ना कि राम अपने पिता की आंखों का तारा है तो बहुत प्यारा यानी कि वेरी डियर, वेरी डियर। ध्यान दीजिए एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा यानी वेरी डियर, वेरी डियर। अगला चलते हैं, अगला चलते हैं एट डैगर्स ड्रोन, एट डैगर्स जिसको हम बोलते हैं घोर शत्रुता, गहरी दुश्मनी, घोर शत्रुता, शत्रुता जिसको हम बोलते हैं होस्टाइल, होस्टाइल जिसको हम बोलते हैं होस्टाइल। ध्यान रखिए एट डाइवर्स ड्रोन घोर शत्रुता, होस्टाइल गहरी दुश्मनी। अगला है एट रैंडम, एट रैंडम बिना लक्ष्य, एट रैंडम, एट रैंडम बिना लक्ष्य, बिना निश्चित लक्ष्य, लक्ष्य जिसको हम देख सकते हैं विदाउट अ डेफिनेट, विदाउट अ डेफिनेट एम, विदाउट ए डेफिनेट एम। ध्यान देंगे ये कि द बॉल एट रैंडम ऐसे बोलते हैं ना बिना डेफिनेट, बिना निश्चित लक्ष्य, तो एट रैंडम का क्या होता है विदाउट ए डेफिनेट एम, एट रैंडम का विदाउट ए डेफिनेट एम। अब इसे एट सक्सेस एंड सेल्स, एट सक्सेस एंड सेल्स तितर बितर छितराया हुआ है या हुआ जिसको बोलते हैं तितर बितर, एस्केटर, एस्केटर ध्यान देखिए एस्केटर एट सक्सेस एंड सेल्स तितर बितर इधर उधर छिटा हुआ तो एस्केटर क्या बोलते हैं इसको एस्केटर। अगला देखिए अगला है बीट अबाउट द पोस्ट, beat about the bus यानी कि घुमा के आगे बातें कर रहे हो, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है घुमा फिरा कर बातें करना। अप्रोच ए सब्जेक्ट यहां है, अप्रोच ए सब्जेक्ट यहां है, अप्रोच ए सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, अप्रोच ए सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट, टू द पॉइंट ध्यान देंगे क्या है बीट अबाउट द बस, ध्यान देंगे बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस का मतलब है घुमा फिरा के बात करना, लंबी चौड़ी भाषण करना। और मैं पहले भी बताया था कि आईएम्स फ्रेज का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्ड एक साथ मिले और नया कोई अर्थ लाए, न तो ऐसे हम बोलते बीट इतना अबाउट के बारे में दबस, तो वो नहीं। आईएम्स या फ्रेज का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक वर्ड एक साथ मिले और नया अर्थ लाए, तो ये सब नया लगा है और इसमें इसमें इसका इंग्लिश में अहम भूमिका होती है। आईएम्स फ्रेज का हमेशा मैं बता रहा हूं आईएम्स एंड फ्रेजेस आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए यहां देखिए अगला है
बारे में मैं बताना चाहता हूं, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, टू ब्रेक द साइलेंस, इसको लिख सकते हैं टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द साइलेंस माने बोलने लगना, बोला लेना। एक बार फिर से देखिए, एप्पल ऑफ वन्स आई, यहां क्या है, एप्पल ऑफ वन्स आई आंखों का तारा, बहुत ही प्यारा, वेरी डियर। एंड डैगर्स ड्रोन, घोर शत्रुता, गहरी दुश्मनी, हॉस्टाइल। एट रैंडम, बिना निश्चित उद्देश्य के, विदाउट अ डेफिनेट एम, विदाउट अ डेफिनेट एम। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, तितर बितर, एज दे टर्ड, बीच बार तो बस वहां फिर बात करना, द अप्रोच ए सब्जेक्ट विदाउट कमिंग टू द पॉइंट। लास्ट यहां है, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, तो टू ब्रेक द साइलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं एकदम बहुत आसान तरीका से याद कर सकते हैं, एप्पल ऑफ वन आई, वेरी डियर, एंड डैगर्स ड्रोन, द होस्टाइल, ऐसे करती जाती है और आगे भी हमें बहुत काम दिखाया। मैं समझता हूँ ये पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊँ, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप इसको ठीक कर लेंगे। और फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, जय।